ये मेरा जो सफ़र है ये स्टार्ट हुआ इन समवेयर इन जुलाई. आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड एक्सेट्रा के समझने के लिए कि FBA का कॉन्सेप्ट क्या है. मुझे किसी दोस्त ने एनेबलर्स के बारे में बताया एंड बिकॉज आई वॉज रेडी कि मैं अमेजोन FBA पे सेल्स करना चाहता हूँ. फ्रॉम अक्टूबर 19th हमारा बूट कैंप स्टार्ट हुआ. तो जनवरी में वी केम टू द प्रोडक्ट हंटिंग स्टेज एंड आई लॉन्च्ड माय प्रोडक्ट इन ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड. इट्स रियली गुड एक्सपीरियंस. आई बिलीव कि एक डॉक्टर भी बेच सकता है अमेजोन, एक इंजीनियर भी बेच सकता है, एक जॉब से आने वाला भी बेच सकता है. द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन अमेजोन और सेलिंग इन ई कॉमर्स एंड अमेजोन स्पेसिफिकली इज टेकिंग द लीप ऑफ फेथ कि मैंने ये कर देना है. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली रहमान खालिद. आज हमारे साथ मौजूद हैं नाइस वन सोर्सिंग कंपनी के डायरेक्टर जनाब रिजवान तनवीर साहब. हम इनसे जानेंगे क्योंकि ये एक बिजनेसमैन भी हैं, इन्होंने कन्वेंशनल बिज़नेस को भी बगौर देखा है और ये करते भी रहे हैं, और अब ये एनेबलर्स की ट्रेनिंग ले के ई कॉमर्स के बिज़नेस की तरफ आ चुके हैं. आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इन्होंने क्या सीखा और अब ये क्या काम कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रिजवान तनवीर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का. सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप पहले भी बिज़नेस करते रहे लेकिन उसके बाद आपने एनेबलर्स के प्लेटफॉर्म से ई कॉमर्स का काम शुरू किया, तो ये सफ़र आपका कैसा रहा? इस तजुर्बे ने आपको क्या क्या सिखाया और किन किन मराहल से आप गुजरे? आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें. ये मेरा जो सफ़र है ये स्टार्ट हुआ इन समवेयर इन जुलाई, जब मेरे एक फ्रेंड ने टोल्ड मी अबाउट के अमेजोन FBA का सिस्टम एंड ऑल द फैसिलिटीज़ अवेलेबल. तो आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड एक्सेट्रा के समझने के लिए कि FBA का कॉन्सेप्ट क्या है, तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन क्या होती है. तो जब मैंने देखना शुरू किया तो टुक मी अ मंथ और टू सारी चीज़ों को ग्रास्प करने में. तो समवेयर इन अक्टूबर मुझे किसी दोस्त ने एनेबलर्स के बारे में बताया एंड बिकॉज आई वॉज़ रेडी कि मैं अमेजोन FBA पे सेल्स करना चाहता हूँ एंड आई मुझे इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आया. तो मैंने फिर वो एनेबलर्स वन से कांटेक्ट किया विद हिज रेफरेंस एंड इमीडिएटली बूट कैंप वॉज स्टार्टिंग इन टू डेज. तो इन अक्टूबर फ्रॉम अक्टूबर 19th हमारा बूट कैंप स्टार्ट हुआ एंड इट टुक 2 months. Like there are 8 classes and continuously step by step we are going ahead and ahead and it finished around January. So January mein we came to the product hunting stage. Although everything is going matlab saath saath chal raha hota hai jab course chal raha hota hai to January mein jaake you are ready to hunt the product and then launch the product. तो इट टुक सम टाइम हंटिंग में बिकॉज एवरीथिंग इज मतलब अमेजोन इज़ अ वेरी बिग फील्ड. ठीक है, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अ लाइक अ बिग ओशन. ठीक है, एंड इट्स नॉट ईजी. तो इसलिए उसकी जो स्टेप्स सारे जो हमने सीखे उसको ग्रास्प करने में भी टाइम लगता. अच्छा, इट टुक मी लाइक 2 months टू हंट द प्रोडक्ट एंड गेट इट अप्रूव्ड बाय माई मेंटर्स. And I launched my product during the lockdown period in May. My first sale started from 1st May. So I launched my product around April somewhere. And down the road, abhi tak hum chal rahe hain. And it's a really good experience. सर आप मुझे ये बताएं, आपने भी बताया कि प्रोडक्ट हंटिंग का जो एक आपका एक्सपीरियंस रहा वो थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है, तो जो नए आने वाले लोग हैं आप उनको किस तरह गाइड करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करके आएँ, कौन सा स्किल सेट सीख के आएँ जिससे उनके लिए वो चीज़ उतनी मुश्किल ना रहे शायद जितनी आपके लिए रही थी? आप इस बारे में कुछ बताइए. बेसिकली स्किल सेट अमेज़ॉन पे सेल्स करने के लिए आप नहीं सीख के आ सकते. ठीक है, आई बिलीव के एक मेरा बिज़नेस बैकग्राउंड है. आई हैव ऑलवेज डन अ बिजनेस, आई हैव नेवर डन अ जॉब, आई डोंट नो द जॉब कल्चर. ठीक है, आई हैव डन मल्टीपल बिजनेसेस. ठीक है, लेकिन that doesn't it helps you somewhere, but I believe कि एक डॉक्टर भी बेच सकता है अमेजोन पे. ठीक है, एक इंजीनियर भी बेच सकता है, एक जॉब से आने वाला भी बेच सकता है.
द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन Amazon और सेलिंग इन ई कॉमर्स एंड Amazon स्पेसिफिकली इज टेकिंग द लीप ऑफ फेथ कि मैंने ये कर देना है. मतलब आई डिसाइडेड कि मुझे ये अच्छा लगा एंड आई एम गोइंग टू डू इट. तो देन आई टुक द कोर्स. अच्छा एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि विदाउट दिस कोर्स जंपिंग इनटू Amazon इज लाइक जंपिंग इनटू फायर. ठीक है, यू आर गोइंग टू लूज इन डॉलर्स, यू आर गोइंग टू अर्न इन रुपीज एंड यू आर गोइंग टू लूज इन डॉलर्स. तो दैट्स टोटली नॉट एडवाइजेबल. एंड एट द प्राइस विच एनेबलर्स इज हेल्पिंग अस विद एंड गिविंग अस लाइफ टाइम मेंटरशिप इंक्लूडिंग विद द कोर्स एंड ऑलवेज योर मेंटर्स आर विद यू ऑनलाइन. तो इट्स लाइक फ्री, दैट्स नथिंग. जो चार्ज कर रहे हैं दैट्स नथिंग. मैं मानता हूँ कि उसकी वजह से आई हैड द पेशेंस कि मैं प्रोडक्ट हंटिंग कर लूँ. और एंड आई न्यू कि आई हैव द सपोर्ट फ्रॉम माई मेंटर. स्पेसिफिकली माई मेंटर वॉज खुरम खालिद एंड ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन. अब रात को 4 बजे भी मैसेज करो तो आपको जवाब आ जाता है, सुबह 9 बजे भी मैसेज करो तो जवाब आ जाता है. तो what do you want? मतलब I personally gave myself hours and hours on YouTube कि मैं ये अपने मेंटर से नहीं पूछता है एंड आई विल डू इट माई सेल्फ एंड यूट्यूब से मैं निकाल लेता हूँ इसका, लेकिन नहीं निकलता था. एंड वन मैसेज टू योर मेंटर एंड यू गेट द आंसर. सो इट्स अ वेरी बिग सपोर्ट. एंड देन यू जंप इन एंड बिकॉज यू आर गोना स्पेंड इन डॉलर्स, एवरीथिंग इज इन डॉलर्स. तो वो हमारे लिए इट्स रियली टफ. तो हमें ध्यान से उसमें जाना चाहिए. बट दिस कोर्स सपोर्ट्स यू अलॉट. सर मुझे काइंडली थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपने किस प्रोडक्ट कैटेगरी में काम किया और जो आने वाले लोग हैं आप उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस प्रोडक्ट कैटेगरी को फोकस करके उसको डेवलप कर सकते हैं या उस पर काम करके आगे आ सकते हैं. मैंने तो टेक्सटाइल में काम किया. ठीक है, मेरी प्रोडक्ट भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट है और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी टेक्सटाइल से रिलेटेड था. मैं टेक्सटाइल की फील्ड में ही मेरे डिफरेंट बिजनेसेस थे जिसमें मेरा ब्रॉटअप ज़्यादा टाइम गुजरा. तो बट देर इज़ नो स्पेसिफिक फील्ड. ठीक है, इसका कोई ये रीज़न नहीं है कि यू हैव टू गो इनटू टेक्सटाइल्स और समथिंग लाइक दैट. एनी प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल. ठीक है, एंड द प्रोसीजर वी हैव बीन टॉट, द प्रोडक्ट हंटिंग प्रोसीजर, के विच प्रोडक्ट विल सेल गुड, विच प्रोडक्ट विल गिव यू मोर प्रॉफिट एंड विच प्रोडक्ट विल नॉट, मतलब टेक यू समवेयर जहाँ से आप नहीं जाना चाहते, यानी कि आपको कहीं फंसाएगी नहीं. ठीक है, तो वो प्रोडक्ट क्राइटेरिया अगर आपने फुलफिल कर लिया एंड देन यू चूज अ प्रोडक्ट, दैन इट कैन बी इन टेक्सटाइल, इट कैन बी इन प्लास्टिक, इट कैन बी इन मतलब अदर कैटेगरीज लाइक इन, यू कैन गो इन होम इन किचन, यू कैन गो इन ब्यूटी, यू कैन गो इन स्पोर्ट्स, यू कैन गो इन एनीथिंग. तो इट्स नॉट एनीथिंग स्पेसिफिक, इट्स जस्ट दैट यू शुड रिसर्च ऑन योर प्रोडक्ट प्रॉपरली एंड टेक द इन्स एंड आउट्स प्रॉपरली कि ये इसमें कोई डिसएडवांटेजेस तो नहीं है इस प्रोडक्ट में. सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग अब नए इस फील्ड में आ रहे हैं, आपने बताया कि हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, जो आपके मेंटोर्स हैं, जो टीचर्स हैं और गाइड हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं. तो जो लोग नए आ रहे हैं वो किन लोगों से रابطہ करें और वो ट्रेनिंग के बाद किन से गाइडेंस ले सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए, ट्रेनिंग मल्टीपल लोग पूरी दुनिया में दे रहे हैं. ठीक है, पीपल आर चार्जिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स फॉर दिस एंड इनेबलर्स इज चार्जिंग देयर चार्जेस एंड देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो ट्रेनिंग दे रहे हैं. मेरा मशवरा ये है कि डोंट गो इनसाइड विदाउट अ ट्रेनिंग. ठीक है, सबसे पहली बात ये. मेरा एक्सपीरियंस इनेबलर्स के साथ बहुत अच्छा था, आई लव इट. मैं 99.9% ऑफ द टाइम, मतलब 100% ऑफ द टाइम आई विल रिकमेंड माई फ्रेंड्स एंड आई हैव बीन रिकमेंडिंग माई फ्रेंड्स टू गो टू एनेबलर्स. दैट्स इट. मतलब मेरे लिए मेरे बच्चे ने भी दोबारा जाना होगा तो मैं उसको एनेबलर्स ही भेजूँगा. ठीक है, जो सपोर्ट मुझे मिली. बट ये है कि एवरीबडी शुड गो. सबसे पहली बात यह कि एवरीबडी शुड ट्राई और जौन सा प्लेटफॉर्म उनको बेहतर लगे, उनकी जो चॉइस बेहतर लगे उसके थ्रू चले जाएँ. बट दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी, Amazon इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी. एंड आई वुड से कि जो आज के यंग लोग आ रहे हैं दे हैव द टाइम, अभी थोड़ी सी पेन ले लें, अभी थोड़ा सा अपने टाइम को सेक्रीफाइस कर लें और इसमें घुस जाएं. ठीक है, एक एग्जांपल मैं दूंगा कि आप समझ लें आपके हाथ में चीनी की बोरी है. ठीक है, और उसमें सुराख है. ठीक है, एंड द शुगर इज़ फॉलिंग आउट और ये ज़ाया हो रही है. आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़ाया हो रही हैं. डेली थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर कमिंग एज सेलर्स ऑन Amazon.
कॉम्पिटिशन इज राइजिंग, थिंग्स आर गेटिंग कम्पेटिटिव. पिछले साल जो चीज़ हम हंट कर रहे थे और हमें लग रहा था कि ये मुश्किल है, इस वक्त वो बहुत मुश्किल हो गई. जो पिछले साल आसान लग रही थी, कई चीज़ें ऐसी हैं जो फिजिबल ही नहीं रह गई क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया. तो हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर रिसर्च कर लें, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को लेके चल पड़ें और चाइना से प्रोडक्ट सोर्स कर लें, कहीं से भी कर लें, बट डू इट. मतलब माय रिकमेंडेशन इज कि जस्ट स्टार्ट. सर, एक आखिरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप चूँकि ख़ुद भी एक बिजनेसमैन हैं, आपने कन्वेंशनल मोड ऑफ़ बिज़नेस को भी बड़े अच्छे तरीके से देखा, तो आप क्या डिफरेंस फील करते हैं उस टाइप ऑफ बिज़नेस में और ये जो एक मॉडर्न ई कॉमर्स का बिज़नेस है, इन दोनों में एक तो डिफरेंस क्या है और किसको आप प्रेफर करेंगे और किसको आप सजेस्ट करेंगे आने वाले लोगों के लिए? देखिए, डिफरेंस तो बड़ा सिंपल है कि अगर आपको कन्वेंशनल बिज़नेस कोई करना है जी तो यू नीड, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी तो यू नीड अ लैंड, यू नीड अ बिल्डिंग एंड यू नीड मशीनरी एंड देन यू नीड इन्वेस्टमेंट एंड देन आपको पता नहीं है कि ये चीज़ के चलनी है कि नहीं चलनी है, कैसे होनी है, एंड देन यू हैव टू गिव योर लाइफ इन इट. ठीक है, अच्छा, और एवरीबडी डज नॉट हैव दैट. उसके बाद अगर आपने सर्विसेज पे जाना है तो यू नीड अ स्किल, यू नीड टू बी अ डॉक्टर, यू नीड टू बी अ इंजीनियर, एंड फिर उसमें भी आप देखेंगे कितने कॉम्पिटिशन्स हैं इस हमारी मार्केट में, जिस तरह से लोग स्टूडेंट्स आ रहे हैं और कर रहे हैं. इस ई कॉमर्स में एवरीबडी कैन जंप इन. अच्छा, आई स्टार्टेड माई बिजनेस विद मतलब पैरेलल टू माई अदर बिजनेसेस. ठीक है जी, मैंने एक चीज़ को छोड़ के नहीं शुरू किया एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन. इस पर टाइम कम देना पड़ता है, इनिशियली टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, इवेंचुअली इट गोज इन टू द ऑटोमेटिक स्टेज. ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ है, इवन एनेबलर्स ऑफर्स वर्चुअल असिस्टेंट्स, वो भी वर्चुअल असिस्टेंट्स को कोर्स करवा रहे हैं, वीएस को कोर्स करवा रहे हैं. यू कैन हायर वर्चुअल असिस्टेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू कैन स्टे एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड मैनेज योर बिजनेस फ्रॉम योर लैपटॉप. आपने आज फैक्ट्री लगा ली है किसी चीज़ की, तो यू कैंट मैनेज दैट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. पीपल आर मैनेजिंग दैट, दे आर लाइक 1% ऑफ द पीपल जो बहुत ज़्यादा तरीके से चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, बट 99% ऑफ द टाइम यू हैव टू सिट ऑन योर शॉप, यू हैव टू सिट ऑन योर सर्विसेज. इवन आपका क्लिनिक है, यू आर अ डॉक्टर, यू हैव टू सिट ओवर देयर. ठीक है, बट इन ई कॉमर्स एक तो आपकी ग्लोबल बाउंड्रीज ही नहीं है. यू कैन सोर्स फ्रॉम एनीवेयर, यू कैन सोर्स फ्रॉम पाकिस्तान, यू कैन सोर्स फ्रॉम चाइना, यू कैन सोर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो. हमने एक्सप्लोर ही नहीं की कि देर आर मेनी अदर कंट्रीज जो ऐसी चीज़ें बनाती हैं जो हमसे सस्ती बनती है, चाइना से भी सस्ती बनती है. तो वी शुड एक्सप्लोर दैट ऑल्सो. अपॉर्चुनिटीज तो अमेजिंग है, मतलब अनलिमिटेड है. बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान तनवीर साहब आपके वक्त का. नाज़रीन, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा. जैसे कि इन्होंने बताया कि हर चीज़ की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बस आपने उनको एक्सप्लोर करना है और ढूंढना है. उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा. शुक्रिया.